क्या चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की परंपरा सच होने जा रही है? इस परंपरा के अनुसार जब चंडीगढ़ निगम चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनती है, और जब कांग्रेस चंडीगढ़ निगम चुनाव में हारती है तो पंजाब में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी हाँ, ये दावा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबला का दावा है कि इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में लोग कांग्रेस को चुनाव जिताकर केंद्र की भाजपा सरकार को नोटबंदी के खिलाफ सख्त संदेश देंगे। खास बात है कि इस नगर निगम चुनाव में नोटबंदी से परेशानियां चुनावी मुद्दा बनती जा रही हैं। चंडीगढ़ में जब जब भी कांग्रेस यहां से जीती है, साथ में पंजाब के इलेक्शनों के ऊपर उसका असर पड़ा है और पंजाब से भी इलेक्शन वो जीती है, उसकी आवाज जो है सीधी आगे आगे जो दूसरे स्टेटों में इलेक्शन होने हैं उसके ऊपर जरूर जाएगी। अगर कहीं कांग्रेस यहाँ से हारी है, अगर कॉरपोरेशन के अंदर हम चुनाव पिछली बार हार गए थे, हमारी सीटें नहीं आई थी, तो हम पंजाब ही हार गए थे, इसकी आवाज़ जो है पूरे स्टेटों के अंदर जाएगी। तो ये चंडीगढ़ शहर जो है ये एक इतिहास रचने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती जो है चंडीगढ़ से ही शुरू होगी। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ड्रीम प्रोजेक्ट वाले शहर चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 18 दिसंबर को होना है और मतदान का परिणाम 20 दिसंबर को आएगा। पूर्व पार्षद बबला का दावा है कि भाजपा के राज में चंडीगढ़ की हालत खराब हुई है, पार्षद अपने वार्डों में नहीं जाते। चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर भी सिर्फ टेलीविजनों पर ही लोगों को नजर आती हैं। नगर निगम के छोटे चुनाव ही सही, परंतु यहाँ के लोग चुनाव में भाजपा को हराकर केंद्र की सरकार तक अपना संदेश जरूर पहुंचा देंगे। एक तो ये है कि ये जो इलेक्शन है ये लोकल इलेक्शन है, ये जो वार्ड के इलेक्शन होते हैं इसमें भाईचारा ज्यादा होता है। लोग ये देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जब हम उसको आवाज लगाए वो हमारे दरवाजे पे खड़ा हो, हमारी समस्या को दूर करे। यहाँ पे आपने पहले भी देखा है कि किरण खेर जी यहाँ से एमपी बने हैं, उनका कार्यकाल भी अब 2.5 साल हो गए हैं। आपको पता है कि वो मिलती नहीं है, हमेशा जब भी कभी देखते हैं तो टीवी के ऊपर ही देखते हैं। अब केंद्र में सरकार है, लोगों ने गलती की है, लोग आज मानते हैं, आज लोग पछता रहे हैं और लोगों का ये धारणा आ गई है कि चंडीगढ़ से ही यहाँ से एक ऐसा जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कि इसकी आवाज़ जो है दिल्ली तक गूंजे। आज हर इंसान बैंकों की लाइनों में लगा हुआ है, एटीएम की लाइनों में लगा हुआ है, अपना पैसा निकालने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं जा रही, सरकारी कर्मचारियों को जो है सैलरी नहीं मिल रही, अगर किसी का परिवार का आदमी जो है या भाई या बहन बुजुर्ग अगर कहीं अस्पताल में दाखिल है उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। ऐसे है कि यहाँ पे एक तो ये मीडिया का हब है ये चंडीगढ़, ऐसा कोई भी मीडिया का चाहे कोई न्यूज़पेपर हो चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि चंडीगढ़ के अंदर नहीं है। एक छोटी सी चीज़ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करके मतलब दिखाते हैं, जैसे अभी आप हो और भी कई चैनल वाले आए जो है, जब मेरी बात जो है कम से कम कहीं ना कहीं तो जाएगी। ऐसे ही लोग जब वोट डालकर 20 तारीख को हमारे उम्मीदवार जो अभी लोगों का धारणा है कि कम कांग्रेस की 20 सीटें तो जो है वो कन्फर्म है, अब उसके आगे शायद हो सकता है 25 भी हो जाए। तो लोगों ने अभी मैं अपना इलेक्शन जो है मैं नहीं लड़ रहा इस बार, लोग मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर तरफ से इतना उत्साह मिल रहा है कि लोग बोल रहे हैं जी कि बस आपने फॉर्म भर दिया, अब हम इलेक्शन आपका लड़ेंगे क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। ऐसे ही कई और वार्ड हैं जहां मेरे जैसे साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, लोग उनको वोट डालेंगे। इस बार पार्टी वार्टी किसी ने नहीं देखनी, यहाँ पे जो इंसान अच्छा है काम करने वाला है उसके साथ चलेंगे।